रावण अपने 10 मस्तक, 20 हाथ, अपार शक्तियों और अजय वरदानों की मद में चूर चूर तीनों लोकों में घूम घूम के राजाओं को सताता और हराता एक दिन पहुंचा महेशमति साम्राज्य में, जहां विराजमान थे अग्नि के समान तेजस्वी कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके 1000 शक्तिशाली हाथ वरदान में पाए और कहलाया सहस्त्रबाहु अर्जुन। उस दिन रावण पुष्पक विमान से उतरा और जोर से लगाई एक ललकार, कहाँ है तुम्हारा राजा अर्जुन? बुलाओ उसे बाहर, बोलो 10 मस्तक और 20 हाथों वाला रावण तुझसे युद्ध करने आया। ललकार तो ऐसे लगाई कि जैसे हर बार की तरह इस बार भी 2 हाथ में तलवार लेके कोई सामान्य राजा निकलने वाला, न कि 1000 भुजाओं से सुशोभित साक्षात सुदर्शन चक्र का अवतार। खैर, रावण के भाग्य उस दिन अच्छे थे कि वहां के मंत्रियों ने बोला कि आज महाराज राजधानी में उपस्थित नहीं है। यह सुनकर रावण हह करके उसकी राक्षस सेना के साथ पुष्पक में बैठकर चला गया विंध्याचल पर्वत पर घूमने। पर्वत से उतरते उसने सुंदर नर्मदा नदी देखी और खुश होकर पुष्पक से उतर के सीधा नर्मदा में डुबकी लगाई और बोला, यह तो साक्षात गंगा है, तुम सब राक्षसगण इसमें नहा के शुद्ध हो जाओ। फिर वो जब बाहर आया तो अपनी सेना को प्रचंड ताप में तपते देखा। उसने तुरंत सूर्य के सामने तीखी नजरों से देखा। सूर्य ने भयभीत होकर अपने आप को चंद्रमा के समान शीतल बना दिया। फिर तो क्या, जोर जोर से बहने वाले वायु ने भी रावण के भय से एकदम मंद मंद गति से नर्मदा के जल के ऊपर से शीतल और सुगंधित होकर बहना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर जब प्रसन्न चित्त होकर रावण बैठा तो उसने सोचा, यहाँ तो शिव की आराधना करनी चाहिए। यह कहके रावण ने अपना प्रिय शिवलिंग निकाला, जो वो हमेशा जहाँ जाता था अपने साथ ले जाता था। वह शिवलिंग खास प्रकार के जामुनी रंग के सोने से बना था, जो सिर्फ मेरु पर्वत से बहती जम्बूनाड नदी से मिलता है। रावण ने उस शिवलिंग को स्थापित करके अपने राक्षसों को पुष्प एकत्रित करने की आज्ञा दी। देखते ही देखते उसकी राक्षस सेना ने वहां पुष्पों का पहाड़ खड़ा कर दिया। फिर रावण ने विधिपूर्वक स्नान किया, मंत्र जप किए और फिर वो कोयले के समान काला रावण एक विशाल काय गजराज के भांति पानी से बाहर निकला और फिर अपने भीगे वस्त्र बदल के श्वेत वस्त्र धारण किए और हाथ जोड़ के महादेव जी की पूजा के लिए चला। उसके पीछे पीछे उसके भयानक दिखते राक्षस भी ऐसे खींचे चले आ रहे थे मानो कोई मूर्तिमान पर्वत अपनी गति के अधीन पूरे जंगल को अपने पीछे पीछे खींचे ले जा रहा है। वहां पहुंचकर उस निशाचर रावण ने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और फिर अपने 200 हाथों को फैलाकर दशो ग्रीवों से जोर जोर से गाना गाकर शिवलिंग के सामने और आसपास धूमधड़ाम नाचने लगा। उसे देखकर पीछे पीछे छोटे बड़े सारे कदकाठी के राक्षस भी भयमुक्त होकर धूमधड़ाम नाचने लगे। पर उन बेचारे राक्षसों को कौन बताए कि उसी नर्मदा के तनिक आधा योजन पश्चिम में उनका काल नर्मदा में गोते लगा रहा है। हाँ, वही परम वीर, परम तेजस्वी, परम पराक्रमी, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, परंतु 1000 हाथों से भरपूर वह सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रों सुंदरियों के बीच में ऐसे शोभा दे रहा था जैसे सहस्त्रों हथनियों के बीच में स्थित गजराज। अपनी स्त्रियों को अपना बल दिखाते हुए उसने अपनी 1000 बाजुओं से नर्मदा के वेग को बांध की तरह रोक दिया और देखते ही देखते नदी में बाढ़ आ गई, जो बढ़ते बढ़ते आधा योजन पीछे पूजा में मग्न रावण, उसकी सेना और उसके पुष्प के पहाड़ को बहा के ले गई। अपनी आधी आराधना छिन्न भिन्न देख व्याकुल हो उठे उस रावण ने बिना कुछ बोले अपनी दाहिने हाथ की उंगली के संकेत मात्र से अपने मंत्री शुक और सारंग को इस बाढ़ का कारण पता लगाने का आदेश दिया। यह सुन के दोनों राक्षस पश्चिम को उड़ चले। तनिक आधा योजन दूर जाते ही उन्होंने देखा कि साल के वृक्ष के समान कोई विशाल काय वीर अपने सहस्त्र भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोके रखा है। वापस आकर जब उन्होंने यह रावण को बताया तो वो तुरंत युद्ध करने उसकी ओर चल उठा। चारों दिशाओं में प्रचंड वेग से वायु धूल को लेकर उड़ने लगे, बादल गर्जना करते हुए रक्त बिंदुओं की वर्षा करने लगे। कार्तवीर्य अर्जुन को देखते ही उसकी आंखें लाल हो गई और रोष में आकर उसने अर्जुन के मंत्रियों से कहा, जाओ जाकर अपने राजा से कहो रावण उससे युद्ध करने आया है। मंत्री लोग अपने हथियार लेके सावधान हो गए और बोले, वाह रे रावण, अच्छा ज्ञान है तुम्हें युद्ध का। जब हमारे महाराज मदमस्त होकर क्रीड़ा कर रहे हैं तब तुम्हें उनसे युद्ध करना है? अगर तुम्हें युद्ध की इतनी ही लालसा है तो आज की रात यहीं रुक जाओ, सुबह महाराज से लड़ लेना, और अगर इतना भी नहीं रहा जा रहा तो आओ पहले हमें और हमारी सेना के साथ सबको मार गिराओ। यह सुनते ही रावण के भूखे राक्षस मंत्री सेना पर टूट पड़े और मार मार के सबको खाने लगे।
रावण के राक्षसों से त्रस्त होकर एक मंत्री ने जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन को सब बता दिया। यह सुनके उसने स्त्रियों से कहा, तुम लोग डरना मत, हम आ रहे हैं। फिर एक मदमस्त गजराज की तरह भयंकर मद और रोष से भरी आंखें लेकर वो महाबाहु बाहर निकला और अपने 500 हाथों से अपने विशाल गदा को उठाया, फिर ये घुमा के राक्षसों पर ढाबा बोल दिया। राक्षसों ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों से अर्जुन पर प्रहार किया, पर उसने सबको अपनी विशाल गदा से तोड़कर विफल कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन का यह भयानक स्वरूप देख रावण के मंत्रीगण मारिच, शुक, सारण, महोदर सब डरकर भाग गए। यह देख रावण ने तत्काल अर्जुन पर ढाबा बोल दिया और फिर शुरू हुआ 1020 हाथों का रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर युद्ध, जो देख के लगता था जैसे दो सांड, दो गजराज, दो सिंह, दो मेघ, दो समुद्र, दो पर्वत, दो तेजस्वी आदित्य तथा दो रुद्र और कालदेव जगत की कोई चिंता किए बिना युद्ध तांडव कर रहे हैं। उनकी गदा के आघात से सभी दिशाएं गूंजने लगी और एक एक प्रहार ऐसे होते थे कि जैसे महान पर्वतों पर उल्काएं गिर रही हैं। न तो अर्जुन थक रहा था, न ही रावण। ऐसे में क्रोधित अर्जुन ने दांत मसल के अपने 500 हाथों से अपनी विशाल काय गदा को अच्छे से पकड़ा और घुमा के रावण की चौड़ी छाती के मध्य में ऐसा भीषण प्रहार किया कि गदा के दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और रावण दर्दनाक चित्कार करते हुए जमीन पर गिर गया, परंतु उसके वरदान के कारण वो मरा नहीं। यह देख के अर्जुन ने झपटा मारकर रावण को ऐसे दबोच लिया जैसे गरुड़ ने सर्प को दबोच लिया हो। फिर उसने अपने 1000 हाथों से रावण को मजबूत रस्सों से बांध दिया। यह देख के आकाश से सिद्ध, चारण और देवताओं ने कार्तवीर्य अर्जुन पर फूलों की वर्षा कर दी और फिर एक हिरण को दबोच कर जैसे कोई व्याघ्र गर्जना करता है, वैसे ही दबोचे हुए रावण के ऊपर चढ़कर अर्जुन ने जोरों जोरों से गर्जना करके मेघों को भी डरा दिया। परंतु अब अपने राजा को बंदी देख उन राक्षसों का पारा आसमान छू गया और सब ने मूशल और शूल जैसे भयंकर अग्निधारी अस्त्रों से अर्जुन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पर अर्जुन ने सारे अस्त्रों को एक ही बार में पकड़ के उन्हीं पे छोड़ दिया और सारे राक्षसों को घायल करके ऐसे भगा दिया जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा ले जाती है। और फिर उस नरभक्षी रावण को अपने नगर ले जाकर बंदी बना दिया। यह बात वायुवेग से देवताओं तक पहुंची। देवताओं के मुख से यह बात ब्रह्मलोक में रावण के पिता पुलस्त्य मुनि ने सुनी। यद्यपि धैर्यशील होने के बावजूद पुत्र स्नेह के कारण वह मुनि भूतल पर मन के वेग से वायुपथ से माहिष्मतिपुरी में आ गए। पता चलते ही अर्जुन अपने पुरोहितों, अर्ध्य और मधुरपकों को लेकर उनका आदर सत्कार करने चले गए। अत्यंत तेज के कारण उनको देखना भी बहुत कठिन हो रहा था। यह देख के अर्जुन चकित रह गया और उनको आदरपूर्वक प्रणाम करके बोला, हे द्विजेंद्र, आपके आगमन से आज मेरी माहिष्मतिपुरी अमरावतीपुरी के समान गौरवशाली हो गई है। आपका दर्शन पाकर आज मेरा जन्म सफल होकर तपस्या सार्थक हो गई। मेरा राज्य, स्त्रियां, पुत्र सब आपका ही है। आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। तब मुनि ने राजा को उनके धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर बताया। हे पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले कमल नयन नरेश, तुमने उस दशग्रीव को जीता है जिसके भय से समुद्र और वायु भी अपनी चंचलता छोड़कर उसकी सेवा में लग जाते हैं। तुमने अपनी यशगाथा सर्वत्र फैला दी, तो अब मेरी याचना से तुम उस दशानन को छोड़ दो। अर्जुन ने कुछ भी बोले बिना रावण को बंधन से मुक्त कर दिया और उसे दिव्य आभूषण और मालाएं पहनाकर अग्नि की साक्षी में मित्रता की। पर उसने बुद्धिमानी से वचन ले लिया कि उनकी मित्रता का उपयोग कभी दूसरे प्राणियों की हिंसा में नहीं करेंगे। फिर तो अर्जुन से छोड़े गए रावण को पुलस्त्य जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु रावण अपनी पराजय से लज्जित कुछ बोल नहीं पाया। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि वापस वायुमार्ग से ब्रह्मलोक चले गए और सहस्त्रबाहु की मैत्री पाकर वह रावण फिर से घमंड भरकर पृथ्वी पर विचरने और नरेशों का संहार करने लगा। और फिर एक ऐसे ही दिन उसका पाला पड़ा किष्किंधा के वानरराज पाली से।